हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका होम टॉपर स्टडी चैनल पर। दोस्तों आज आप बताएंगे कि अभी क्या होता है, अभी किसे कहते हैं, अर्थात मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स क्या होता है ना, मैट्रिक्स किसे कहते हैं, अभी के आयु क्या होते हैं, अभी का निरूपण क्या होता है, अभी का क्रम और कोट क्या होती है, अभी के अनुरेख क्या होते हैं, इतनी चीजें बताएंगे। इसके पिछले वीडियो में बताया आपको जितने साड़ी के जितने गुणधर्म थे, क्या साड़ी साड़ी के जितने भी गुणधर्म थे सब बताया गया। साड़ी किसे कहते हैं, साड़ी के मान क्या होता है, सब बताया गया। सब कॉन्सेप्ट, सभी कॉन्सेप्ट दिए गए, साड़ी के सभी कॉन्सेप्ट दिए गए। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से लगा सकते हैं। क्लास ट्वेल्थ लेवल का है, ये सब चीजें क्लास ट्वेल्थ लेवल की हैं, ठीक है ना। बेसिक, लेकिन हम सबको बेसिक में लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। जितने भी मैथ फार्मूले हैं, मैथ कॉन्सेप्ट सबको बताने के बाद ही हम क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद ही क्लास स्टार्ट करेंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो। और जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, वर्गमूल धर्म सब चीज़ें पढ़ा दिया गया है। नहीं जानते तो जाकर देखिए, पूरा वीडियो को इसकी मत करिए, पूरा शुरू से लेके अंत तक देखिए, अंत तक देखिए, तब वीडियो आपको अच्छे से समझ आएगा और बहुत ही अच्छे से समझ आएगा, ठीक है ना। कहते क्या है, ये आँखों में मंजिलें थी, आँखों में मंजिलें थी, गिरते गिरे और संभलते रहे, आँखों में मंजिलें थी, गिरे और संभलते रहे, हवाओं में क्या दम था, चिराग हवा में भी जलते रहे, चिराग हवा में भी जलते रहे, आंखों में मंजिलें थी, गिरे और समझते रहे, हवाओं में क्या दम था, चिराग हवा में भी जलते रहे। समझ रहे ना आप, यदि अच्छे हैं, आप अच्छे मार्क चल रहे हैं, आपका क्या जितने भी चीज़ें आपकी क्वालिटी और अच्छी है, आपके विचार अच्छे हैं, तो आपको कोई गिरा नहीं सकता। इसलिए हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, दिक्कत नहीं होगी आपको। योर थिंकिंग गिरा क्या, आपको ऐसा काम करो कि नाम हो लेकिन वही काम करो जिसमें सम्मान हो, बताते ना कई बार बोलते, ठीक। ये चीज़ें चलिए देखते हैं अभी क्या होती है। दी गई यमयन वस्तुओं को, दी गई यमयन वस्तुओं को यम पंक्ति तथा यन स्तंभों में व्यक्त करने पर, व्यवस्थित करने पर जो हमें आयताकार सारणी प्राप्त होती है उसे ही हम यमयन कोट की अभी कहते हैं, यमयन कोट की अभी कहते हैं, जो कि यहाँ लिखा गया है। थोड़ा सा टाइम को बचत करते हुए यहाँ पे लिख दिए थे जिससे आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। कि दी गई यमयन वस्तुओं को यम पंक्ति, पंक्ति मतलब रो, तथा यन स्तंभों यानी कॉलम में व्यवस्थित करने पर जो हमें आयताकार सारणी प्राप्त होती है उसे ही यमयन कोट की क्या कहते हैं, आप भी कहते हैं। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ठीक है ना, ये आप लिखते रहिए यहाँ क्या। अब इसमें कई चीजें आई कि रो क्या होता है, स्तंभ क्या होता है, आया नहीं समझे, और यहाँ पे देखिए कोड क्या होती है, कोड क्या होती है, सब चीज़ ऐसा चीज पढ़िए जिसमें एक एक वर्ड पढ़िए, जो वर्ड आपको ना समझ आए उसको जरूर देखिए कि क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, तब फिर समझ आएगा। आप भी किसे कहते हैं, समझ आया, समझ आया नहीं। चलिए अब देखते हैं आप व्यू के आयु क्या होते हैं, हिंदाड़िए हिंदाड़िए, आप व्यू के आयु, इसे क्या कहते हैं, एलिमेंट एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, आप भी के आयो, सुनवाएगी देखिए क्या होता है। आव्यू जिन आयुओं से मिलकर बनता है उसे आव्यू का आयु कहते हैं, क्या दिक्कत हुई है, आव्यू जिन आयु से मिलकर बनता है उसे आव्यू के आयु कहते हैं, सुनाया सुनाया कि नहीं, लिख लीजिए कि आव्यू जिन आयुओं से मिलकर बनता है उसे आव्यू के आयु कहते हैं, ठीक। चलिए आप दिखाते हैं, जैसे यहाँ पे यही है, ठीक ना, ये चीज है ए बी सी आई जे के पी क्यू, ठीक। अच्छा इस्तेमाल कर दें, चलिए इस्तेमाल ही कर देते हैं, सब सब इस्तेमाल ही कर देते हैं, कि पी आप कैसे रहेगा क्यू आर, तो आज ये कोई भी मान सकते हैं, ये जो आप लिखे हैं ए बी सी डी आई जे के पी क्यू आर आर, ये कोई भी हो सकते हैं, कोई भी मान सकता है। यहाँ पे देखिए यही यही क्या कहलाएंगे, जो आपके हैं वही आव्यू के आयु कहलाएंगे। आव्यू को हम बड़े कोष्ठक के भीतर लिखते हैं, अंदर लिखते हैं, आव्यू का कोई संख्यात्मक मान नहीं होता। चलिए अब ये लिख दे रहे हैं, लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। अब नोट डाल लिख लीजिए, नोट डाल के लिख लीजिए, आव्यू को आव्यू आव्यू को हम
हम बड़े कोष्टक, बड़े कोष्टक के भीतर लिखते सुना यही भी ले देंगे कि यहां क्या ए बी सी आई जे के है ना पी क्यू तथा आर आव्यूह के आयु है क्या है आव्यूह के अवयव है आयो सुनाया जो ये है यही क्या क्योंकि अभी ही आयुष मिलकर बना है हम जानते हैं जिन आयुष मिलकर बनता है अभी जिन आयुष मिलकर बनता है उसे अभी का आयुष कहते हैं अभी को बड़े कोष्ठक के भीतर लिखते हैं अभी क्या होता है दी गई यमनस्तुओं को यम पंक्ति तथा यम स्तंभों में व्यवस्थित करने पर जो हमें आयताकार सारणी प्राप्त होती है उसे ही यमनकोट की अभी कहते हैं दो तीन बार पढ़िए कई बार रिवाइज करिए जिससे आपको याद हो जाए ठीक ना क्या होती है समझ आ जाए क्या होता है जो भी नहीं समझ आए कमेंट जरूर करिएगा ठीक क्या होता है और क्या बताया आपको दूसरा कि अभ्यू का कोई संख्यात्मक मान नहीं होता है सब आप देखिए आता है क्वेश्चन पूछता है कि अभ्यू का संख्यात्मक मान क्या होता है तो आप बोलता है कि अभ्यू का संख्यात्मक मान ये है बताइए सत्य है गलत असत्य तो अगर हम जानते हैं अभ्यू का संख्यात्मक मान होता ही नहीं अभ्यू का कोई संख्यात्मक मान नहीं होता लेकिन सारणिक का डिटर्मिनेंट्स का अब क्या संख्यात्मक मान होता है पढ़ाए देखिएगा सब सुन जाएगा समझा ये चीज यही क्या देखिए अभ्यू छापी जी फिर आप चलते करिए इसको नोट कर लीजिए ये हो गया देखिए इसमें क्या होती है पंक्ति और रो क्या होता है पंक्ति और रो क्या होता है यहाँ पे इक्वल कर लीजिए ठीक है ना इक्वल तो हम जानते हैं देखिए पंक्ति क्या होती है जो आपका हॉरिजॉन्टल होता है क्षैतिज होता है उसे ही पंक्ति कहते हैं क्या कहते हैं पंक्ति जो आपको क्षैतिज होते हैं हॉरिजॉन्टल होते हैं उसे पंक्ति कहते हैं रो कहते हैं और जो आपको ऊर्ध्वाधर होते हैं क्या होते हैं ऊर्ध्वाधर सीधे खड़े होते हैं उसको स्तंभ कहते हैं क्या कहते हैं स्तंभ कहते हैं समझाया इसे कॉलम बोलते हैं कॉलम देखिए ठीक जो क्षैतिज होते हैं हॉरिजॉन्टल होते हैं उसे पंक्ति कहते हैं जो ऊर्ध्वाधर होते हैं वर्टिकल होते हैं उसे ही स्तंभ कहते हैं कॉलम कहते हैं समझाया चीजें समझिए है अब देखते हैं हम कि क्या अभ्यूह का अनुरेख क्या होता है अभ्यूह का अनुरेख और यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे इसमें कितने रो हैं एक दो तीन रो हैं कॉलम कितने हैं तीन तीसरे कॉलम ये थ्री क्रॉस थ्री है क्या तीन क्रॉस तीन का कोटि है जो अभ्यूह है तीन क्रॉस तीन का क्योंकि इसमें तीन आयो क्या है त्यू तीन पंक्ति हैं और तीन स्तंभ हैं अब कोटि अभ्यूह क्या होता है उसको बताएंगे सब बताएंगे ठीक चलिए कर लीजिए करीब हो गया छापिए छपन में ठीक चलते हैं अब अभ्यूह का क्रम अथवा कोट क्या होती है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है ठीक है ना देखिए कि यदि किसी अभ्यूह में यम पंक्ति और यन स्तंभ यम पंक्ति और यन स्तंभ हो तो उस अभ्यूह का क्रम अथवा कोटि यम क्रॉस यन होता एक बार फिर से सुनिए यदि किसी अभ्यूह में यम पंक्ति और यन स्तंभ है तो उस अभ्यूह का क्रम अथवा कोटि यम क्रॉस यन होता है एक बार फिर से यदि किसी अभ्यूह में यम पंक्ति और यन स्तंभ है तो उस अभ्यूह का क्रम अथवा कोटि यम क्रॉस यन होता है ठीक है ना देखिए जैसे आपका है यही इसमें आपका A1 A2 A21 A22 ठीक इसमें अगर कह रहे हैं यम पंक्ति हैं यम क्या है पंक्ति हैं और यम क्या है स्तंभ है क्या है स्तंभ ठीक रोका तो इसका जो मैट ऑर्डर होगा यम क्रॉस यन होगा क्या होगा
तो ये कितने का बताइए, ये कितने का है ये बताइए, जो आपका है A11, A12, A21, A22 ये है ना, ये हम क्रॉस एरो होता है, कितने है इसमें, इसमें रो कितने हैं दो, कॉलम कितने हैं दो, ये टू क्रॉस टू हुआ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है, अगर ऐसे कर देंगे तब तो सॉल्व हो जाएगा, हम बड़े क्वेश्चन क्रम बनाएंगे, ठीक है ना। अब ये क्या है, इसमें कितने पंक्तियां हैं, इसमें कितनी पंक्तियां हैं, इसमें जो पंक्तियों की संख्या 3, स्तंभों की संख्या 3 है, ये क्या हो जाएगा आपका 3×3, क्या 3×3, सुनाएगा नहीं, ये हो गया आपका। और यहाँ से अगर मान लीजिए इसको पूछा जाए तो इसको पूछेंगे तो क्या होगा, ये आपका पहला हो गया क्रम अथवा कोटि बता रहे हैं, इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है 1, स्तंभों की संख्या 2, क्यों जो इधर होते हैं इस साइड के, एक पंक्ति हो गई, दो पंक्ति हो गई, तीन पंक्ति हो गई, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, ठीक। इसमें एक पंक्ति है और दो स्तंभ है, क्या है दो स्तंभ है, इसका ऑर्डर क्या होगा 1×1 × 2 सबसे पहले। अब देखिए यहां पर लिखते हैं, नोट डाल के नोट लिखिए, सबसे पहले पंक्ति को लिखते हैं, उसके बाद स्तंभ को लिखते हैं। देखिए, अगर पहले यहां से दिया रहेगा 1×2, पूछा जाएगा पंक्तियों की संख्या 1, क्योंकि जो पहले आता है वही पंक्ति होता है, और स्तंभों की संख्या 2, जो पहले आता है उसे पंक्ति, जो बाद में आता है उतना क्या कॉलम स्तंभ। दूसरा क्या है, इसको हम पलटा सकते हैं, दूसरा लिखेंगे, यह आवश्यक नहीं है। क्या आवश्यक नहीं है कि आव्यूह में पंक्तियों बिंदी अच्छे देना, ठीक, पंक्तियों और स्तंभों की संख्या क्या संख्या समान हो। सारणी में क्या था, सारणी में पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान होती थी, इसीलिए उसको हम वर्गाकार सारणी कहते थे, लेकिन इसमें ऐसा कोई रूल निश्चित नहीं है, इसमें सारणी और पंक्ति मतलब पंक्ति और स्तंभ दोनों की संख्या अलग अलग हो सकती है, सेम हो सकती है, इससे आपको लेना देना, ठीक ना, इसीलिए आप जानते रहिए। इसको हम कह सकते हैं, जो इसको लिख सकते हैं, ये देखिए a = aij, ये आपका 3×3, इसी को हम ये लिख सकते हैं, समझा रहा है कि नहीं। देखिए a क्या आपका, अब बताते हैं क्या होता है, ये देखिए अभ्यू का क्या निरूपण कैसे होता है उसको बता रहे हैं, लास्ट ये समझाएगा आपको, अभ्यू का क्रम कोटि क्या होती है, अभ्यू में क्रम है कोटि, सबसे पहले पंक्ति लिखते हैं फिर स्तंभ लिखते हैं, ठीक, यहाँ बताएं। और अभ्यू में यह जरूरी नहीं है क्रम और कोटि दोनों बराबर हो, सॉरी आपकी पंक्ति और स्तंभ बराबर हो, अलग भी होते हैं। पंक्ति क्या होती है, स्तंभ क्या होती है, अभी बताएं ना, ये हो गया आपको, ये क्या आपका अभ्यू का क्रम अथवा कोटि, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, छापिए इसको, फिर आपको आगे बताते हैं, छापिए, नोट कर लिए, हो गया। चलिए अब देखते हैं हम अभ्यू का निरूपण क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, यहाँ पे लिखा गया क्या होता है, जिससे आपको सुनना और अभी आ जाए, बताएंगे भी लिख दिए हैं, जिससे आप लिख सकते हैं अभ्यू का निरूपण क्या होता है, बताएं आपको। देखिए कि अभ्यू को हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से प्रयोग करते हैं, अभ्यू को हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से प्रयोग करते हैं, और
और उनके संगत अयो को और उनके संगत अयो को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों के छोटे अक्षरों को द्वि अनुलग्न करते हैं। किसे? द्वि अनुलग्न। देखिए छोटे अक्षरों से द्वि अनुलग्न के साथ करते हैं। और क्या होता है कि द्वि अनुलग्न का पहला अक्षर उस पंक्ति को और दूसरा अक्षर उस स्थान को बताता है जिसमें वह अयो उपस्थित होता है। सुना? एक बार फिर से देखिए कि अव्यय का अव्यय को हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से करते हैं और उनके संगत अयो को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से छोटे अक्षरों के द्वि अनुलग्न के साथ प्रयुक्त करते हैं। द्वि अनुलग्न अंग्रेजी वर्णमाला का पहला अक्षर उस पंक्ति को और दूसरा अक्षर उस स्थान को बताता है जिसमें वह अयो उपस्थित होता है, जो कि यहाँ पैसे लिखा गया। आप बताएं अव्यय क्या होती है, अव्यय क्रम कूट क्या होता है, अव्यय के अयो क्या होते हैं। अब बता रहे हैं अव्यय का निरूपण क्या होता है, इसके बाद एक और बताएंगे अव्यय का अनुरूप क्या होता है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है। बस फिर और जब इसके प्रकार होंगे अगले वीडियो में क्या सुना है। देखिए ये अब सुना है, अब देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे आप लेते हैं ये क्या है अव्यय है, इसको हम बड़े अक्षर से प्रदर्शित करेंगे। ओके A1, 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 A2, A2, A3, A31, A32, A33, इसे हम क्या कहते हैं थ्री क्रॉस थ्री कोट। देखिए इसमें तीन रो और तीन कॉलम है, तीन रो और तीन कॉलम है। देख रहे हैं ना रो कॉलम क्या होता है, अभी बताएं कि जो क्षैतिज होते हैं हॉरिजॉन्टल होते हैं इस प्रकार होते हैं एकदम उसी बोलते हैं पंक्ति, जो खड़े होते हैं उधर होते हैं उसको असम बोलते हैं। पीछे बताएं अभी चलिए यहाँ पर देखते हैं ये हो गया। अब यहाँ से इसी यही है, इसे हम जो है इसका व्यापक रूप क्या होगा, इसका व्यापक रूप यानी क्या जनरल फॉर्म का कहते हैं जनरल फॉर्म क्या होगा इसका जनरल फॉर्म। भैया देखिए ए इक्वल टू हो जाएगा ए इक्वल टू ए आई थ्री क्रॉस थ्री का थ्री कर सकते हैं आपने थ्री क्रॉस ठीक ए आई जे यहाँ दिख रहा है समझा ना, जो भी है यहाँ पे ए आई जे यहाँ पे क्या है मान लीजिए थ्री क्रॉस नहीं तो यहाँ पर आई क्या है पंक्ति है और जे क्या है स्तंभ है रो कॉलम। अगर आई तीन कॉलम है तीन पंक्ति है और तीन स्तंभ है थ्री क्रॉस थ्री चार कर देंगे यहाँ पे समझा ना यही है अव्यय का निरूपण समझा। छापी इसको फिर आगे रखते हैं छापी हो गया। अब देखते हैं हम कि ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। जैसे इसमें हिंदी ज़्यादा है लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा, वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए उसको हम आपको लिख कर प्रोवाइड कर देते हैं ना कि अव्यय का अनुरेख पूछता है कि अव्यय का अनुरेख क्या होता है, अव्यय का अनुरेख क्या है, इसे बोलते हैं अनुरेख ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या मैट्रिक्स अव्यय का अनुरेख जी। ये हेडिंग इस प्रकार लिखी ताकि जिससे आपको नंबर अच्छा मिले, मान लीजिए अगर एग्जाम लिखना आया तो आपको नंबर अच्छा मिले इस प्रकार आप लिख सकते हैं ना। देखिए कैसे लिख रहे हैं यहाँ पे आप ठीक कर सकते हैं और अच्छा ना अव्यय का अनुरेख क्या होता है। देखिए जैसे ए इक्वल टू मान लीजिए आपका क्या देगा ए इक्वल टू दिया A11, A12, A21, A22 यही है ना यही है ये इसे कहते हैं ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स ए, अगर ए है ए भी ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। अब यहाँ करेंगे अव्यय का अनुरूप ग्राफ क्या हो जाएगा यही तो इनके मुख्य विकर्णों का योग, इनके मुख्य विकर्णों का योग जो होगा वही अव्यय का क्या कहलाता है अनुरेख कहलाता है। तो अव्यय का अनुरेख हो जाएगा कहेंगे इनके मुख्य विकरणों
मेन डायगोनल विकर्णों का, विकर्णों का योग, ठीक ना। यानी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए वन वन प्लस ए टू, यही कहा जाएगा, ठीक ना। यही अभ्यू का क्या ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स कहलाएगा, अभ्यू क्या कहलाएगा, अभ्यू का उन्टी। समझ आ रहा, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि क्या ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स लीजिए मैट्रिक्स, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए है, ए कर लेते हैं ए वन वन प्लस ए टू टू, जिसके हैं अब सारे क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, उनके मुख्य विकर्णों का योग जो कहलाएगा, उनके किसी आपको या भी उसके मुख्य विकर्ण जो योग है वही क्या कहलाएगा आपका, अभिकर्ण भी कहलाएगा, चाहे इसमें कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे ना। ये टू क्रॉस के थ्री क्रॉस भी ऐसे हो जाएगा, थ्री क्रॉस भी हो जाएगा, टू क्रॉस टू, इसमें दो रहा दो कॉलम ना। तो ये चीज़ें, ये है अभ्यू का आपका, अभ्यू आपको बेसिक चीज़ें बताया क्या क्या है। अब अगले वीडियो में बताएंगे टाइप क्या होते हैं, जो भी है सब बताएंगे आपको, फैक्टर पर सब बताएंगे, ठीक है ना। इसमें यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, बहुत अच्छा लगा हो, तभी लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा, लेकिन अच्छा लगा हो तो ठीक, और नहीं समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, ठीक। चलिए हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, अगले वीडियो मिलेंगे, लेकिन इसको क्या कर लीजिए, छाप लीजिए, ठीक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।